आज यानी 4 जुलाई को फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 65,479 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 66 अंक चढ़कर 19,389 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 143 अंक बढ़कर 45,301 पर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स 72 अंक गिरकर 35,772 पर बंद हुआ। सबसे ज़्यादा बढ़त आईटी, बैंकिंग और फार्मा इंडेक्स में रही। वहीं ऑटो, इंफ्रा, एनर्जी शेयरों में दबाव देखने को मिला। पीएसई, रियल्टी और मेटल शेयरों में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। निफ्टी के 50 में से 29 शेयरों में तेजी रही। वहीं सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में तेजी रही। आज लगभग 1582 शेयर बढ़े हैं। वहीं 1826 शेयर गिरे हैं और 118 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर और हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि आयशर मोटर्स, ग्रासिम और भारतीय एयरटेल निफ्टी के टॉप लूजर रहे। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर होकर 82.02 पर बंद हुआ है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 4 जुलाई को बढ़कर 298.67 लाख करोड़ रुपये पहुँच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 3 जुलाई को 298.21 लाख करोड़ रुपये पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 46,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। 5 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? चॉइस ब्रोकिंग के ओम मेहरा का कहना है कि एफआईआई की खरीदारी के दम पर भारतीय बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 0.42% बढ़कर 65,489.05 पर और निफ्टी 0.34% बढ़कर 19,389 पर बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 0.32% की बढ़त के साथ 43,954.45 पर बंद हुआ है। निफ्टी ने लगातार 4 दिनों के क्लोजिंग हाई के बाद एक लॉन्ग लेग्ड डूसी पैटर्न बनाया है। इससे संकेत मिलता है कि तिजड़िए एक शानदार रैली के बाद अब कुछ मुनाफा वसूली बुक करने के मूड में है। बड़े उछाल के बीच बाजार कंसोलिडेट हो सकता है। हालांकि बाजार में स्टॉक विशेष हलचल बना सकता है। हालांकि एक हल्के विराम के बाद बाजार आने वाले दिनों में 19,580 से 19,640 को छूने की कोशिश करेगा। ऐसे में निवेशकों को ऑटो, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर से अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक जोड़ने की सलाह होगी, जबकि ट्रेडर्स को सलाह होगी कि वे कुछ मुनाफा भी बुक करें और गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाएं। अगले कुछ दिनों में बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। रेली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि सभी सेक्टरों में हो रही रोटेशनल बाइंग से बाजार को मदद मिली है, जिसके चलते ओवरबॉट स्थिति होने के बावजूद बाजार में तेजी बनी हुई है। बाजार के मौजूदा ढांचे और अनुकूल ग्लोबल संकेतों को देखते हुए लगता है कि यह ट्रेंड जारी रहेगा। हालांकि ट्रेडर्स को अति उत्साह से बचना चाहिए और केवल क्वालिटी शेयरों के साथ बने रहना चाहिए। किसी रिकवरी की उम्मीद में पिनी स्टॉक या कमजोर शेयर पर दांव ना लगाएं। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।